नमस्कार, आप देख रहे हैं जीसीपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। चर्चित बोलेरो लूटकांड मामला, करीब 10 दिन पूर्व अपराधियों द्वारा लूटा गया बोलेरो गाड़ी जब्त। हटरगंज थाना प्रभारी सचिन कुमार दास व सशस्त्र बल की टीम ने बिहार पुलिस के सहयोग से गया की गुरुआ थाना अंतर्गत सरैया इलाके से किया बरामद। लूट में शामिल दो अपराधी कर्मियों की पूर्व में हो चुकी है गिरफ्तारी। फर्जी नंबर प्लेट लगाकर लुटेरे कर रहे थे लूट के बोलेरो का इस्तेमाल। चतरा से गया जाने के नाम पर अपराधियों ने भाड़ा पर बुक किया था बोलेरो। गया जाने के दौरान हथियार के बल पर दिया था लूट की घटना को अंजाम। एसडीपीओ अविनाश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी। 15 दिसंबर 2021 को हंटरगंज थाना क्षेत्र में एक बोलेरो का लूट कांड से संबंधित धारा एफआईआर दर्ज किया गया था। कांड संख्या 175-21 था। इस कांड को त्वरित उद्भेदन करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया गया था एक सप्ताह पूर्व ही, परंतु बोलेरो जब्त नहीं की गई थी। उसी के कड़ी में अभी बिहार में गुरुआ थाना अंतर्गत, जो गया जिले के अंतर्गत में पड़ता है, वहां से हमारे थाना प्रभारी सचिन दास के नेतृत्व में एक टीम गई और बिहार के सहयोग से हम लोगों ने वहाँ से बोलेरो जब्त किया है जो कि कांड में लूटपाट हुआ था। उस बोलेरो का ओरिजिनल नंबर JH 13C 0543 है, जबकि वहाँ पे डुप्लीकेट नंबर BR 26K 9770 नंबर प्लेट लगा करके वहाँ यूज कर रहा था। लगभग इसमें हमें पांच लोगों में से दो लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, तीन लोग और अभी हैं। उम्मीद करते हैं कि जल्दी उसे भी हम लोग गिरफ्तार करके न्याय के अभिरक्षा में भेजेंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए जीसीपी न्यूज। नमस्कार। ग्रामीण एवं देश विदेश की अनोखी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।